आपका और हमारा मिलन तो कभी हुआ नहीं, एक पत्र आया देखिए। अंजना कोट, घर अंजना कोट, प्रखंड मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनामिका कुमारी, मुजफ्फरपुर से आई हूं, घर अंजना कोट, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा। ऐसे कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, दूर दूर तक हम इलाज करवाने के लिए गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। हमारे परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, केवल टीवी के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा सुनना और बाबा से प्रार्थना करना। सियोर वाला महाराज कुछ कुछ बता देता है कभी कभी, बस टीवी के सामने कथा सुनना चालू करो। और आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा, तुमरुका जी की सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग बताया। बस मैंने सारे डॉक्टरों का इलाज करवा चुकी थी, आखिरी में हार चुकी थी, शादी के 10 साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से जब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 10 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। उस बच्चे को लेकर मैं यहाँ आई। बच्चा आया है साथ में? लियाओ लियाओ लियाओ, जल्दी लाओ। 10 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है। मेरा बच्चा 3 महीने का है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा, उसकी उदारता, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। हमने उसका भजन किया, फिर निवेदन करेंगे। घड़ी में आप समय भर दीजिए। आपने घड़ी की केवल चाबी भर दी, आपने घड़ी में चाबी भर दी है, आपने घड़ी के अंदर चाबी भर दी है। राम जी ही कृपा करने वाले हैं। घड़ी के अंदर चाबी भर दी है, और घड़ी में अगर आपने चाबी भर दी, फिर भरने के बाद आप छोड़ दो। घड़ी में चाबी भरने के बाद जब आपने छोड़ दिया, समय आएगा, अपने आप अलार्म, बोलो जम के बोलो, बज जाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो, आप शिव जी का गुणगान कर लो, आप शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा दो, आप शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ा दो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर लो। आप करो, आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का जाप करो, आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति का भजन करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो, फिर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, बेलपत्र चढ़ाते रहो, शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। जब आपके भजन का फल जब मेरे महादेव देख लेंगे कि तेरी दुख की घड़ी आई है, उस समय पर वह अलार्म बजाना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पर तुम्हारा भजन सामने आकर खड़ा हो जाएगा, गला पकड़, तब ये भजन तुम्हारा वहां आकर खड़ा हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की जय।